हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टेरेस गार्डन। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि एक रबर प्लांट से आप दूसरा रबर प्लांट कैसे बनाएं। इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम अपनी वीडियो में आपको घुट्टी बांधना सिखाएंगे, जिसको आप एयर लेयरिंग भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम तने को चारों तरफ से छील लेंगे 1 से 1.5 इंच, और हमें ध्यान रखना है कि छीलते वक्त हम स्टेम को डैमेज ना कर दें। अब हमारा तना छिल गया है और आप उसको देख सकते हैं कि हमने कहीं पे भी कट नहीं लगाया है इस पे भी, ताकि स्टेम डैमेज ना हो हमारी। हमने सिर्फ इसको ऊपर ऊपर से छीला है। और अब हम अपनी मिट्टी तैयार कर लेते हैं गुट्टी लगाने के लिए। तो ये मैंने मिट्टी ले ली है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको गीला कर लेना है। ध्यान रखें कि आपकी मिट्टी नरम हो, क्योंकि नरम मिट्टी में जड़ें बहुत आसानी से निकलती हैं। अगर आपकी मिट्टी हार्ड है तो उसको सॉफ्ट करने के लिए आप उसमें जमुना सैंड या फिर आप कोकोपीट उसमें मिला सकते हैं। अब गीली मिट्टी को आपने एक प्लास्टिक शीट में ले लेना है, आप कोई भी पॉलीथिन भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपने मिट्टी को इस तरह से लगाना है कि वो स्टेम का जो हमने छीला हुआ पार्ट था वो पूरा कवर हो जाए अच्छे से। और उसको पूरा कवर करके हम किसी धागे रस्सी से उसको चारों तरफ से बांध देंगे, ताकि वो मिट्टी वहीं पे स्टेबल हो जाए। अब हमने इसे कस के बांध दिया है, ताकि इसमें हवा ना जा सके और अंदर मॉइस्चर बना रहे। और अब हम वेट करेंगे 1.5 से 2 महीने। 1.5 से 2 महीने में इसकी अच्छे से रूट्स निकल आएंगी और उसके बाद हमारा दूसरा पौधा बन जाएगा। अब इसका अपडेट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें
और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।